तुलसीदास जीवन परिचय। जन्म स्थान तुलसीदास सचमुच हिंदी साहित्य के सूर्य है। इसका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है। तुलसीदास राम भक्ति साहित्य के प्रतिनिधि कवि है। इसका जन्म सन 1532 में राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसी कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन परेशानी से भरा था। बाबा नर हरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। राम भक्ति की दीक्षा उन्होंने स्वामी रामानंद से ली और उन्हें अपना गुरु माना। लेखक कार्य उन्होंने चित्रकूट और काशी में रहकर अनेक काव्यों की रचना उन्होंने ब्राह्मण भी खूब किया। रचना सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, सूति शैली की रचना दोहा वली, सुंदर और सहज रचना विनय पत्रिका, रामलला नह छू, वैराग सिमदीपनी, वैराग्य रामायण, पवित्री मंगल जानकी, रामाज्ञा पसनावली। साहित्य विशेषता तुलसीदास जी ने अपने काव्य के द्वारा दार्शनिक पारिवारिक सामाजिक आदर्शनों को इतनी सुंदरता के साथ प्रतिपादित किया कि सभी ने उन्हें सबसे बड़ा लोग नायक मान लिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण हिंदू जाति और भारतीय समाज को राम भक्त बना दिया। तुलसी के काव्य में सगुण और निर्गुण का समावेश है। भाषा शैली तुलसी ने अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। तुलसीदास के काव्य में काला पक्ष बहुत सुंदर है। हिंदी में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने प्रबंधन काव्य शैली और मुक्त काव्य शैली दोनों का प्रयोग किया। छंद शैली उन्होंने सभी छंद शैलियों का प्रयोग किया, जैसे दोहा चौपाई शैली, सल्कठा वर्बे, कवित सैया शैली, छापा शैली आदि। अलंकार एवं रस अलंकारों की दृष्टि से भी उनका काव्य उच्च कोटि का है। उन्होंने संगरूपक उपमा उपेक्षा व्यतिरेक आदि अलंकारों का सुंदर उपयोग किया। भक्ति वीर सीगांग करुणा वात्सल्य भीवत्सल्य शांत अद्भुत भयानक रोध हास्य आदि सभी रसों की धारा उनके काव्यों में बही है। मृत्यु सन 1623 को सावन शुक्ल सप्तमी के दिन काशी के आसी घाट पर तुलसी ने अपने प्राण त्यागे थे। सोहो सवत सुलहो सो असी गंग के तीर सावन शुक्ल सप्ती तुलसी रोज शरीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।